हेलो गाइस, तो चलिए आज हम सीख कबाब की ग्रेवी बनाते हैं। सीख कबाब खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी और अच्छी लगती है मुझे। तो इसके लिए हमने यहाँ 4 सीख कबाब ले लिए हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है और टमाटो की प्योरी बना ली है। और मसाले में यहाँ हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर और ये है हमारा चिकन मसाला पाउडर। तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये मैंने ली है दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और हरी मिर्च ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। मैं नॉनवेज सरसों के तेल में ही प्रेफर करती हूँ, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है खाने में। तो इसे हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें अब हम धीरे धीरे सीख कबाब को ऐड करेंगे। आप देख सकते हो सीख कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम सभी सीख कबाब को एक ही बारी में फ्राई कर लेंगे। हमें सीख कबाब को थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम अब साइड में कर लेंगे। तो चलिए अब जो हमारा तेल था, हम उसी में प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज लहसुन को एक साथ पीसने से क्या होता है कि दोनों एक साथ पक जाते हैं और टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी बीच में हम हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो मैंने कम लिया है, लेकिन प्याज को आपका ध्यान रहे कि इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाना है, क्योंकि प्याज का अगर कच्चा स्वाद रह जाए ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और प्याज पक जाए तो जैसे आप देख सकते हो साइड से तेल रिलीज़ करने लग जाता है। तो हमारे प्याज तो पक गए हैं, अब हम इसमें सभी मसाले को ऐड कर देंगे। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर, जो 4 मसाले हमने लिए थे, और साथ में चिकन मसाला पाउडर, ये सभी पाउडर जो है हमें एक साथ ऐड ऑन कर देना है। तो मसाले हमने सभी ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मसालों को पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है और मसाले अगर कच्चे रह जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मसाले पकने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। ये प्याज का कलर आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है। तो यहाँ हम अब टमाटो की प्योरी ऐड करेंगे, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से भी तेल रिलीज़ ना होने लग जाए और इसका कलर अब आप देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने नमक भी ऐड कर लिया है। नमक आप ऑफ कोर्स स्वाद अनुसार ही देंगे अपने। तो इसको हम बहुत अच्छे से चला लेते हैं। देखिए आप देख सकते हो तेल जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो इस बीच हम गैस की जो फ्लेम है वो लो करेंगे और दही ऐड कर देंगे, वरना दही ना फट जाती है। इसलिए हमेशा दही कभी भी किसी भी ग्रेवी में डाले तो लो फ्लेम पर ही डाले। तो दही पक जाने के बाद हम इसमें सीख कबाब को ऐड कर देंगे। अब सीख कबाब को ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से कोट करना है, ताकि सभी मसाले जो है वो सीख कबाब में चले जाए। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट बाद ही ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इस स्टेज में पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम ऊपर से ही धनिया डालेंगे। धनिया का पत्ता हमने बारीक काट लिया है, उसको ऊपर से हम डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट और इस ग्रेवी को खुले आंच पे पकाना है। तो 5 मिनट बाद हमारी ग्रेवी जो है वो इतनी गाढ़ी हो जाती है और हमारा सीख कबाब रेडी है खाने के लिए। तो आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।